मंडी संसदीय सीट से जीत के बाद हॉली लॉज में जश्न का माहौल है। समर्थक काफी तादाद में हॉली लॉज बधाई देने पहुंच रहे हैं। शनिवार को शिमला ग्रामीण के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ बधाई देने पहुंचे और शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह और नवनिर्वाचित सांसद प्रतिभा सिंह को फूल मालाएं और शॉल टोपी पहना उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान समर्थकों ने जमकर नाटे लगाई। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह को समर्थकों ने कंधे पर उठाकर नाटे लगाई। प्रतिभा सिंह ने शिमला ग्रामीण के समर्थकों को आभार जताया और कहा कि जीत के बाद काफी तादाद में लोग बधाई देने आ रहे हैं और इस जीत का श्रेय मंडी की जनता के साथ साथ शिमला ग्रामीण के लोगों को भी जाता है। ग्रामीण के कार्यकर्ताओं ने भी काम किया है और उनका भी उन्होंने आभार जताया है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह की इन चुनाव में काफी कमी खली है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला ग्रामीण से वे विधायक हैं और शिमला ग्रामीण उनका परिवार है और आज खुशी के मौके पर उनका परिवार बधाई देने आया है और सभी में जोश है और अब 2022 आम चुनाव की तैयारियों में जुटना है और आम चुनाव में भी प्रदेश की जनता बीजेपी को सत्ता का बाहर का रास्ता दिखाएगी। उन्होंने कहा कि अब चुनाव खत्म हो गया और अब चुनाव खत्म हो गए हैं और इसको प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए और मिलकर प्रदेश का विकास में जुट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हॉली लॉज को अब नई जिम्मेवारी मिली है और इस जिम्मेवारी को भी बखूबी निभाया जाएगा। मैं इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो इन्होंने अपना समर्थन अपना सहयोग मुझे दिया। ये मेरी नहीं सभी लोगों की जीत है। मैं मंडी पार्लियामेंट्री हलके के और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो वहाँ पर काम करने आए हैं इन्होंने दिन रात कार्य किया है। सभी की दुआओं से और सभी की काम से हम इसमें सफल हो पाए हैं। इसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार। तो है ही है, आप देखिए देख ही रहे हैं 4-0 हुआ है तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी हमें लगता है कि हम अवश्य विजय हासिल करें। वो तो है ही है। उनके बगैर हमें लगता था कि हम कैसे कदम आके रखें। लोगों का प्यार लोगों का स्नेह जो हमें प्राप्त हुआ है उसकी वजह से हमें थोड़ा हौसला भी मिला और हमने आगे कदम बढ़ाया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारा परिवार है और मैं इनके परिवार का सदस्य हूँ। शिमला ग्रामीण का विधायक भी हूँ, यहाँ का बेटा भी हूँ, यहाँ का भाई भी हूँ। स्वाभाविक है जब खुशी का माहौल है तो खुशी जग जाहिर करने हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा है और इसीलिए आज यहाँ पे जो है खुशी का माहौल है। पिछले कल रोड़ू का भी प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे आया था और आज मेरे निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण से हमारे सभी साथी आए हैं। सब में जोश है और सब वचनबद्ध है कि हमने अगले जो 2022 के चुनाव हैं उसमें डट जाना है, मजबूती के साथ कार्य करना है, धरातल पे कार्य करना है और जो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो विकास के कार्य खास रूप से शिमला ग्रामीण में ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं उनको भी आगे लेकर जाना है और जो अब एक नई जिम्मेवारी हमारे परिवार के ऊपर आई है मंडी संसदीय क्षेत्र की जिसमें 17 विधानसभा हलके हैं वहाँ की जिम्मेवारी भी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी पर है, हमारे परिवार के ऊपर है। उसका निर्वहन भी हमने मजबूती के साथ करना है और जो राजा वीरभद्र सिंह जी का नारा हमेशा रहा सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास, उस नारे को आगे लेकर जाना है।
सबके साथ, सबके विश्वास, सबके प्यार के साथ आगे बढ़ना है और जो कमियां पीछे रही है उनको दुरुस्त करते हुए हिमाचल प्रदेश को आगे लेकर जाना है। सरकार से भी मेरा ये विनम्र निवेदन रहेगा, अब चुनाव खत्म हो गए हैं और हमें जो है प्रतिष्ठा का सवाल इन चुनावों को नहीं बनाना चाहिए। चुनाव होते हैं, लोकतंत्र का एक प्रणाली है, अगर चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद सबको मिलकर प्रदेश का विकास करने में जुट जाना चाहिए। मेरा सरकार से भी निवेदन रहेगा कि उनका पूर्ण सहयोग मुख्यमंत्री जी का, मंत्रियों का, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को मिलना चाहिए। मंडी संसदीय क्षेत्र भौगोलिक परिस्थिति से हिमाचल प्रदेश का एक तिहाई हिस्सा है और 16 लाख लोग इस निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, तो वहां के सहयोग के लिए केंद्र सरकार की भी और प्रदेश सरकार का भी पूरा सहयोग उनको चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी मुझे सरकार का सहयोग चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि मिलकर हम आगे बढ़ें और जब आगे चुनाव होंगे, चुनाव के समय में रणनीति बनाएंगे, चुनाव जीतेंगे, मगर जब तक चुनाव नहीं है तब तक हमको मिलकर सब लोगों को हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, अपने क्षेत्रों को आगे ले जाने के लिए हमको आगे बढ़ना है और मिलकर हिमाचल प्रदेश का विकास करवाना है। आज इसीलिए यहाँ पे सब आए हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ।